राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खांचरियावास ने स्कूल संचालकों की गोविंदगढ़ में स्थित दीपक मैरिज होम में बैठक ली। बैठक में स्कूल संचालकों के साथ कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक समाप्ति के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में प्रताप सिंह खांचरियावास ने रोडवेज की स्थिति सुधारने की बात कही। वहीं जल्द ही रोडवेज नई बसें शामिल करने की बात करते नजर आए। रोडवेज में आप ये मानकर चलिए, रोडवेज में जल्दी नई बसें भी आएगी और रोडवेज के कर्मचारियों की मांगे जो हमने जन घोषणा पत्र में था उनको भी पूरा किया जाएगा, ये परिवहन मंत्री कह रहा है आपसे। और आप ये मेरी बात सुनिए, अभी सरकार शुरू हुई है, हमने 24 तारीख को शपथ ली है और आज कितनी तारीख है, आज 19 तारीख है, 24 तारीख को शपथ और आज 19 है, विधानसभा चल रही है। आप देखते जाइए, रोडवेज बड़े घाटे में है लेकिन हमने जो प्रॉमिस चुनाव से पहले किए हैं उस जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना दिया है। जो भी रोडवेज से मेयर पायलट साहब रोडवेज वालों की हड़ताल में गए थे, रोडवेज को बचाना, रोडवेज को बचाकर रोडवेज को मजबूत करना, आते ही मैंने सबसे पहला काम क्या किया वो आप सुन लो। लोक परिवहन सेवा के परमिट जारी करने में करोड़ों का घोटाला हुआ और आते ही लोग आकर खड़े हो गए, इतने ले लो लोक परिवहन सेवा का, हमें वहाँ का परमिट दे दो वहाँ का। मैंने आते ही परमिटों पर रोक लगाई, मन में भावना थी कि लोक परिवहन सेवा के परमिट के नाम पर जो बेईमानी है वो बेईमानी अब रुकनी चाहिए। रोडवेज के रिजर्व रूट थे वो सारे खत्म कर दिए, अब रोडवेज की बसें भी लेंगे। एक बार जिसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया और पूरा जोर लगाया 5 साल तक, आज मैं ये नहीं कह रहा कि आते ही मैं कोई रोशनी खड़ी कर दूंगा, लेकिन आपको रिजल्ट नजर। देखिए एक बात आप मानकर चलिए, रामगढ़ का उपचुनाव हो रहा है, पिछली बार बीएसपी के जो उम्मीदवार थे उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद, लेकिन उस चुनाव के बाद आपको पता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई। मैं राजस्थान की जनता ने जो मैंडेट दिया उस जनता के संदेश को लेकर आया हूँ। मैं सरकार में मंत्री हूँ, विधायक हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन आज रामगढ़ के विकास के लिए, रामगढ़ की माँ बहन बेटी नौजवान विद्यार्थी किसान मजदूर सबके मान और सम्मान के लिए जरूरी है कि रामगढ़ से कांग्रेस पार्टी जीत कर जाए तो सरकार में एक कड़ी और जुड़ेगी। सरकार मजबूत होगी, रामगढ़ मजबूत होगा। इस वक्त सरकार की जीत के साथ रामगढ़ के मान और सम्मान और विकास का रास्ता खुलेगा। पिछली बार जब बीजेपी के विधायक रहे तो डायलॉगबाजी खूब हुई, लड़ाई झगड़े की बातें खूब हुई, भाषणबाजी खूब हुई कि लड़ लीजिए, मर लीजिए, धरती फाड़ देंगे और आसमान को चीर कर बरसात अभी 1 घंटे में कर देंगे। खुद को तो लड़ना नहीं था, क्यों खुद तो लड़ी को नहीं सके, दूसरों को लड़ाना और भिड़ाना था। तो भाषण देकर लोगों को लड़ाना और भिड़ाना आसान है, लेकिन भूखे को रोटी देना बड़ा मुश्किल है। तो एपीएल बीपीएल परिवार दोनों को मार दिया, वो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, राशन का गेहूं बंद हो गया राजस्थान में, पेंशन बंद हो गई, फ्री दवा बंद हो गई, रोजगार खत्म कर दिए।